हमें नहीं लगता है कि बेरोजगारी की समस्या है। मैं एक बीटेक अभी किया हुआ, मैंने पास आउट किया है 23 में, एंड बहुत सारे इम्प्लॉयमेंट्स है आपकी कंट्री में। इनफैक्ट द फैक्ट इज कि अदर कंट्रीज के जो अदर कंट्रीज है वो चाहते हैं कि हम इंडिया में एस्टेब्लिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करें, बिकॉज यहाँ पे लेबर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर देम कि हाँ अच्छे लेबर मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ मिल रही है, क्योंकि इंडिया का यूथ इट्स बेटर। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनमें कोई कहता है मैंने बीटेक किया है, कोई कहता है मैंने बीएड किया है, कोई कहता है मैंने एलएलबी किया है, लेकिन भाई बीएड करके बीटेक करके क्या मैं 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करूँ? क्या मैंने इसलिए पैसे ले? भैया वही तो कह रहा हूँ ना, ये गलत बात है। जब आप कॉलेज में पढ़ने के अलावा सारे काम करोगे तो 10-15 हज़ार भी आपने तो गलत बता दिया, वो भी नहीं मिलेगा। आप बढ़िया करो यार, अपॉर्चुनिटी तो घूम रही है, अपॉर्चुनिटी घूम रही है, ठीक है। अब कोई 3 लाख भी कमा रहा है यार, मैं अभी बता नहीं सकता, बट आई एम अर्निंग अ गुड मनी टू बी ऑनेस्ट, लाइक मोर देन मे बी यहाँ जो खड़े हैं आपके ऑफिसर्स उनसे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ। आई एम रियली अर्निंग अ गुड मनी, सो आई एम बेरोजगारी का हल्ला क्यों मचा हुआ कि भाई 9.5 साल में रोजगार ही नहीं रहा देश में, खत्म हो? हल्ला वही मचा हुआ है ना, जिनको जुबा केसरी का बस ऐड देखना है उनके लिए हल्ला है, जिनको दुनिया की और भी चीजें देखनी है, जिनको पढ़ाई से रिलेटेड देखना है। आप देखो एडवर्टीजमेंट करके तो लोग करोड़पति बन गए यार, इंस्टा पे एडवर्टीजमेंट करके जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। जिनको पैसा कमाना है वो अल्पेश यादव देख लो क्या कर रहा है भाई, बस छपरी वाला ही वीडियो देख के प्रमोशन करके जाके देखो दुबई में करोड़ों का फ्लैट खरीद रहा है। अब तुम बस देखोगे उसके पीछे घूमोगे तो भाई मुश्किल है, बेरोजगार ही रहोगे जीवन भर। तुमसे ही रोजगार बना लिया, तुमसे ही किसी ने रोजगार बना लिया, तुम यहाँ बैठ करके रोजगार ढूंढोगे घर में बैठ के तो मुश्किल है भैया। आप यहाँ पे आ करके हमसे रोजगार की बात करके पैसा कमा रहे हो, टू बी ऑनेस्ट आपका पैसा इसी से आ रहा है और हम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मानते हो कि नहीं? हम यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप हमसे ही पैसा कमा रहे हो, ये भाई लोगों से आप पैसा कमा रहे हो। आप यहाँ 10 लोग जोड़ करके 2 लोग को रोजगार दे रहे हो, इनको इनको, और आपको तो आ ही रहा है। तो ये आपकी थिंकिंग है और जिसकी भाई जुबा केसरी की थिंकिंग है वो अपना सोचते रहे। क्या कहेंगे, इंस्टाग्राम पे युवा रील देख रहा है, बेरोजगार इतना है क्या 7.5 घंटे रील देख रहा है? किसने कह दिया भाई कि इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं वो बेरोजगार ही हैं? राहुल गांधी खुद बेरोजगार है ना, काम नहीं है कोई। ये बात है भाई, राहुल गांधी की जो माँ है सोनिया गांधी वो बोलती है कि हमारा राहुल गांधी अभी मैच्योर धीरे धीरे हो रहा है। भाई साहब कौन सा 56 साल का व्यक्ति है जो 56 साल की एज में आगे मैच्योर हो रहा है? आपने सुना है कहीं? हमने तो नहीं सुना भाई साहब। हम इतने मैच्योर हैं कि 28 साल की उम्र में भी 30 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है, अपना अपना ठीक से रह रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आराम से जॉब चल रही है, कौन बेरोजगार है? इस तरीके से राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में वो टक्कर दे पाए? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक भी नहीं, मतलब ही नहीं है सर। मोदी ही आएंगे और जब तक रहेंगे मोदी आएंगे, उसके बाद योगी आएंगे, और योगी आ गए उसके बाद तो उनका दूर तक होना नहीं है, कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। महंगाई वाला मुद्दा, बेरोजगारी वाला मुद्दा चलेगा? नहीं सर, देखो सर, बेरोजगार वो है जो डिग्रियां लेके तो घूम रहे हैं लेकिन स्किल के नाम पे जीरो हैं, ठीक है जी। आजकल मैं बता रहा हूँ, एक लिख के देता हूँ बात, अगर आप कोई चाय वाला टपरी खोल के बैठा होगा ना तो वो भी महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा होगा, ठीक है जी। लेकिन जो आजकल का युवा है जो 26 साल 27 साल का हो चुका है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन वो आज भी गवर्नमेंट की ग्रुप डी की भर्तियाँ भरता है, और ग्रुप डी की भर्तियों में चपरासी इनकी जो है वो आती है वैकेंसियां। क्या है कहा 2 करोड़ रोजगार का वादा किया मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, है कहा स्टेटमेंट ही नहीं था पहली बार। अरे भैया सब सर, हम तो सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ये तो मुश्किल है, जब गवर्नमेंट ले आ रही है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उसको आपके यहाँ एस्टेब्लिश कर रही है, इतना वो फंड रेज हो रहा है, ट्रिलियन डॉलर आपके ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, यू हैव टू गो एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी देयर एज वेल। आप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप डी के पीछे भाग रहे हो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करके, क्यों जाओ यार, देखो बाहर में भी नौकरियां हैं, बाहर में भी अपॉर्चुनिटी हैं, उसे भी देखो। अब आप सोचोगे सारी नौकरियां गवर्नमेंट ही हो जाए, ये तो मुश्किल है जी, ये तो नहीं हो सकता। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, इनसे ज़्यादा छाप रहे हो, मैं भी उन भैया से ज़्यादा छाप रहे हो, CISF का यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई मोदी जी जब तक हमें नहीं देंगे GD की नौकरी हम तो भाई धरना में बैठ जाएंगे, तो गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, आपको मिलेगी, ट्राई करो यार, रोजगार है, बहुत सारे रोजगार है। अभी देखो इसराइल आपको बुला रहा है, 1 लाख लेबर्स को बुला रहा है, लेबर्स इन द सेंस, आप वहाँ पे देखो ताइवान में देखो 1 लाख इंडियन लेबर्स को स्पेशली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपने यहाँ से 1 लाख लेबर्स हमारे यहाँ भेजो, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर अभी कर रही है कि हम भेजे ना भेजे, तो वो अपने युवा को सोचना चाहिए, यूथ को सोचना चाहिए हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो कह रहे युवा तो इंस्टाग्राम पर रील चला रहा है 7.5 घंटे रोजगार है, वो युवा की गलती है ना, युवा को फिर पढ़े ना, बीटेक स्टूडेंट है, वहाँ पे जाकर के आप यार लड़कीबाजी कर रहे हो, रील देख रहे हो, आप पढ़ाई पे
ध्यान दो, आप दो साल पढ़ो थर्ड ईयर में प्लेसमेंट लो, दो साल पढ़ाई करो थर्ड ईयर में प्लेसमेंट लो, अच्छे खासे पैसे कमाओ और मिलती है। जो मेरे जो दोस्त हैं, मैं बताता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जो कि जो बीटेक करते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द जो हॉस्टल वाले हैं ना, गांजा पी के भंग रहते हैं, ठीक है, गांजा पी के भंग रहते हैं पढ़ने। अरे यार, जो मेरे दोस्त गलत बोलेंगे क्या? सही बात है। और आज का गांजा प्रमोट कौन कर रहा है? अरे भाई साहब, बोलो जुबा केसरी भाई, हमारे हम जो हमारे टॉप, अरे बोलो जुबा केसरी, अरे कौन बोल रहा है? बोलो जुबा केसरी, अरे कौन कह रहा है? बोलो जुबा केसरी, अखबार कह रहा है बेरोजगारी, कौन कह रहा है? बोलो जुबा केसरी, बिल्कुल बेरोजगारी। मैं सैमसंग में हूँ, सैमसंग का प्रमोटर हूँ मैं, बेरोजगारी। मैं सैमसंग का एक कांग्रेस छोड़ा भाई, सैमसंग का प्रमोटर है, बेरोजगार है भाई। सुनो, आप भांग गांजा कह रहे हो, भांग कह रहे हो, आप भी लोग जो प्रमोट कर रहे हो इंस्टाग्राम को। मुझे एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं मैं प्रमोटर हूँ, फिर बेरोजगार? अरे बेरोजगार कैसे हो, बेरोजगार कैसे हो? अरे आप अपने काम में प्रमोट कर रहे हो। भैया का फोन दिखाओ भाई, आप सुनो, सुनो, अरे हमारा भाई सुनो, अरे जो हमारा इसने बोला अरे हमारा टॉप लीडर है वही कह रहे हैं, बोलो जुबा केसरी, अरे उन्हीं का ही बताओ, बेरोजगारी की। अरे भाई, अगर आप अक्षय कुमार को अपना लीडर मानते हो तो आपकी प्रॉब्लम है, मोदी जी ने बोला क्या जुबा केसरी? मेरी बात सुनना भाई, हमारे जैसे युवा किसे टॉप लीडर मानेगा, किसे मानेगा? अरे फिल्मों में देखेंगे, अब तुमने एक जंगली फिल्म बनाई, अरे फिल्म वालों को रोल मॉडल मानते क्यों हो तुम? अभी एक फिल्म आई है, क्या नाम है उसका, एनिमल, नंगा घूम रहे उसमें, अरे हमारे क्या चलेगा, अरे क्या चलेगा उसमें? तो आपकी गलती, तो आपकी गलती है ना, आप उनको आप नहीं मान रहे हो। अरे हम, अरे भाई साहब, अरे इस टाइम दिखाया ही जा रहा है, भाई तो राहुल गांधी से ज्यादा कंफ्यूज है, तेरी प्रॉब्लम के ये तो बता, तेरी क्या प्रॉब्लम है? मैं बेरोजगारी, बेरोजगार खुद तेरे पास रोजगार है, इंस्टाग्राम ले आया कौन? कांग्रेस सरकार लेके आई, पता है इंस्टाग्राम लेके कौन आया? इसने बोला कि आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन तो बहुत सारी चीजों का हो रहा, ऐसा तो नहीं कि गांजा का प्रमोशन हो रहा है। एक मिनट, क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, अरे करो सैमसंग का प्रमोशन, कॉन्डम का भी हो रहा है प्रमोशन, तो कॉन्डम का भी हो रहा है, उसको तो लोग नहीं यूज करते फिर, क्यों? जनसंख्या बता, जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ नहीं कर रहे, बड़ी हीरोइन करती है कॉन्डम का प्रमोशन, तो हीरोइन करती है बड़ी बड़ी है, फिर क्यों 10 चाहिए हमें? अरे तो तुम्हारे सरकारी तो कह रहे हैं जनसंख्या कानून लाओ, तो कॉन्डम का यूज नहीं होगा वहाँ पे भाई, 2024 में वो भी आएगा। ये क्या चाहते हैं, जनसंख्या कानून ना है क्या चाहते ना जी? तो फिर अरे कॉन्डम का, अरे कॉन्डम आएगा नहीं, कॉन्डम भी कहेगा नहीं, तो बोला चुका केसरी का क्या इम्पैक्ट जा रहा है बताओ, एनिमल का क्या इम्पैक्ट जा रहा है लोगों पे? ये कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात, अरे मुझे एक बात बताओ, अरे सुनो, तुम भी तो फूंक रहे हो, तुम भी फूंक रहे हो, सुनो, अरे यार सुनो यार, यार इनकी दिक्कत सुनो, इनकी समस्या तो सुन लो यार, ना प्यार से मुझे एक बात बताओ, पहले तो अरे सुनो चले गए, भैया का थोड़ा एग्रेशन मोड था, समझ नहीं आ रहा था, कोई बात।